मुझे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने अब, मतलब मेरे को घर तो ऐसा लग रहा था कि बहुत रेड हो गए, बहुत रेड हो गए, मेरे को अब बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल अपने। अच्छा, एक बार आपके लगा दिया और एक बार इन्होंने बोला है कि ये जो बचा हुआ है पूरा क्लीन करने के बाद पूरा अच्छी तरह से ये लगा दिया। अभी रात को सोते हुए भी लगाना है आपको, ये मजे हो रहे हैं आपके, आप ही चमको। अभी कौन सा आपकी बेटी बेटी की शादी हो रही है जो आप चमके जा रहे हो? ये कन पे की क्या है, ये क्या बोलते इसको, ये वाला फेशियल बढ़िया है। फ्रेंड्स, मम्मी को अपने फेशियल का नाम ही नहीं पता, कैन पकी कान पकी, मेरे को तो खुद नहीं बोलना आ रहा। वही गोल्डन, वही डायमंड, वही ओ थ्री प्लस, वही सब करा रही थी मैं। कान पकी, कैन पकी, कौन सा कान पकी, कान पकी, याद रखो कान पकी, कान पकी वो लिखा हुआ, कान पकी वो लिखा हुआ डब्बे पे, सेव द डेट पे। अच्छा, कैन पकी, कैन पकी, पता नहीं क्या बोलेंगे। राखी जी कौन सा फेशियल करा, अभी हम ब्लॉग में सारी डिटेल्स दे रहे हैं, पता है ना कि मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को बोलना नहीं आता, तो ये देख लीजिए ये वाला फेशियल हुआ है मेरा। बीए पढ़ी है, दो शब्द बीए पढ़ी हूँ, वो भी उल्टे, दो शब्द पढ़ी हूँ वो भी उल्टे, सही बोलते हैं। सो पता नहीं कब होएगा मेरा स्ट्रेटनिंग। बैठ जाओ, तो गाइस टाइम हो गया 3:30 एंड अब मेरे बालों में होगी फ्रेशनिंग, अब बोटॉक्स की जाएगी सेट। ये मैम एवीएल का है, वन ऑफ द बेस्ट मैनी पैडी है, इसमें 7 स्टेप्स रहते हैं और इसमें हमारा एल्गा है, सी सॉल्ट है और ये आपकी डेड स्किन को बहुत अच्छे से निकालता है। और इसके बाद आप देखिएगा जब मसाज होगी और उसके बाद जो आपके पैरों में ग्लो आएगा, प्लस आप जो रिलैक्स फील करेंगे, आई थिंक इससे बेटर या इससे बेस्ट आपने आज तक पेडीक्योर और मैनीक्योर नहीं लिया। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एवीएल का ही पेडीक्योर मैनीक्योर ट्राई करें और उसके बाद खुद ही रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। चलो ठीक है, करो फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आते हैं। तो फ्रेंड्स ये चेयर भी बहुत अच्छी लगी मेरे को, ये पीछे मेरी बैक पे मसाज हो रही है और ये रिमोट मेरे हाथ में थमा दिया, इससे कम ज्यादा कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है, मेरे हाथ में आ गया रिमोट, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये बैक पे मसाज हो रही है और साथ में हाथ पे भी मसाज होगी और पैरों पे भी होगी, तो आप लोग भी आके यहाँ इंजॉय कर सकते हैं मैनी पैडी। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ, भैया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा करता है। सो गाइस लो ड्रायर हो चुका है एंड अब होएगी प्रेसिंग, तो प्रेसिंग करके भैया सेट कर देंगे 3-4 घंटे के लिए, फिर मैं रात को आके हेड वॉश करवा दूंगी यहीं से। सो गाइस मेरा हो चुका है, टाइम हो रहा है 4 एंड भैया बोल रहे हैं कि जब तक मम्मी का पेडीक्योर मैनीक्योर हो रहा है तो तब तक आप वेट कर लो, फिर आपका हेड वॉश करके ही आपको भेज देंगे, आप क्या रात को दोबारा आओगे। तो आई एम वेटिंग, मस्त हो गए बाय। राम तो स्वीट बॉम्ब की लग रहे हैं। अब आपको हर महीने भेजेंगे यहाँ, पहले एक बार करवा के देख लो। गाइस सबसे बेस्ट बात मैं बता रही हूँ कि ये वन टाइम सैशेज इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई घपलाई ना हो, क्योंकि काफी सैलून्स में क्या होता है बॉटल कुछ और दिखाते हैं और अंदर कुछ और होता है, तो यहाँ की स्पेसिफिकली जो ओनर है उन्होंने हमें बताया कि हम ये सैशेज इसलिए यूज करते हैं कि कोई किसी को कुछ लगे ही ना कि भाई बॉटल कुछ और है और वो कुछ और है, इसमें तो सैशे फाड़ो, क्या ही घपला होगा। सीरम भी है, है?
आज तक कभी नहीं लगवाया मैंने, मतलब आज आपके सारे डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहे हैं। यहाँ पे देखना जरा कमरे का पानी को, देखो जरा कितना काला पानी। तुम देखो उसे सिरम, ये अच्छा अच्छा का मुझसे कितना काम करा रहा है। घर को भी जाके लगा सकते हो ना, घर पे की सोते समय लगा लिया पहले पैरों पे, उसके बाद पैर दीक्षा टाइम पास करते हुए क्रीम लगी है। लगवाओ खूब क्रीम में लगवाओ, ये दो बूंद सैशे में कितनी क्रीम में लगवाओ, खूब क्रीम में लगवाओ। चमक गए पैर मम्मी वैसे आप, अब शादी में चमक के जाऊंगी ना मैं। हाँ लाऊंगी भाई, चाहे वो बेचारा चाची को बुलाए भी ना शादी में। ओ ना बुलाए, चाची तो चली जाएगी भाई, चाचियों ने शादियां करनी है। गाइस आपको यहाँ याकुल्ट भी मिलेगा पीने के लिए। ऐसी जैसे मैं एंजल क्या नहीं खाती थी, तो जैसे हम राजमा चावल खाते थे मैं स्पेशली उससे मंगवाती थी, तो अभी रिसेंटली किसी ने कॉमेंट किया कि क्या पता दीक्षा आजकल एंजल के राजमा चावल का है। सो गाइस यहाँ आपको मिलेगा याकुल्ट भी स्पेशल लोगों को, आप दीक्षा का नाम ले देना आपको मिल जाएगा। जब भी आओ पहुंच जाती ये लीजिए, आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। ओहो आज तो आपको ऐसे वो बॉस लेडी वाली फीलिंग आ रही होगी, सेठानी वाली एकदम, है ना। तभी मैं बोलूँ हाउसवाइफ को कुछ ना कुछ करवाते रहना चाहिए। हाँ भैया लोग जो ये मेरे को वैसे इतने मोटिवेशन हो रहे, तो मैं फिर बता रही लोगों को कि प्लीज निकलो और थोड़ी सी अपनी टेक केयर करो जैसे मैं करती हूँ। खुद सेल्फ केयर भी मतलब बहुत अच्छा लगता है ना, सेल्फ पैम्परिंग हो। लेडीज बेचारी बस घर में चूल्हे चौके में, वही मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है क्या बस किचन, किचन मम्मी अब तो किचन है ही नहीं, बस मेरी तो नहीं है, लेडीज की तो है, इसलिए उनको बता रही हूँ कि ये छोड़ दो किचन, किचन मेरी तरह करना। मैंने भी छोड़ दी किचन, लोगों के हस्बैंड क्या बोलेंगे इनके ब्लॉग्स देखना छोड़ो, ये हमारी वाइफ को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन लेडीज तो देखेंगी ना जिनको हम सुधार रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी लो। सो गाइस अब हो रहा है मम्मी का मैनीक्योर, मजे हैं यार, मजे क्या मजे है इसमें आज तो, मतलब मेरे ट्रिप के बहाने, आशु की शादी के बहाने आपके मजे हो गए, मैं ये देख रही हूँ। मेरे पैसे जो कट रहे हैं वो नहीं दिख रहा तेरे को? कोई नहीं, खुशी मैटर, पता है। अब जैसे कई बार मैं स्किन केयर करती हूँ तो मेरी स्किन ठीक हो रही है या नहीं वो चीज अलग है, बट जो खुशी मिलती है, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो सेल्फ हैप्पीनेस मिलती है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके पैसे लग रहे हैं या नहीं, चलो पैसे आपको पूरी उम्र कमाने हैं, ठीक है, अभी आप 70-80 साल तक जियोगे तो आपको कमाने ही है डेली, धरती पे मैं तो बैठी रहूंगी, बट ये जो आपकी जो खुशी मिल रही है आपको ये काम करा के, रिलैक्सेशन मिल रही है, ये आपको बहुत रेयर मिलेगी और यही इंपॉर्टेंट है जीवन में। आशु की शादी तक ना सॉक्स पहन के रखना, पैर गंदे नहीं होने चाहिए, दोबारा पेडीक्योर नहीं होएगा अब आपका, दोबारा कराऊंगी, और हाथों में ग्लव्स, अच्छा, और यहाँ फुल स्लीव्स तक की कपड़े, और मंकी कैप, फेशियल भी हुआ है क्योंकि शायद ये दो बार हो जाएगा, देखिए रिलैक्सेशन के लिए है। जैसे हम आपको घर में बोलते हैं ना सो जाओ, अब आप सो जाओ, मैनीक्योर पेडीक्योर कराऊं, हां अब आप सो जाओ, पैक लगवाओ, मसाज हो गई है, पैक लगवाओ और सो जाओ अब, बस जो मैं ऐसे घर पे कहती थी ना सो जाओ अब सो जाना एक घंटे तक, चीची नहीं चाहिए, चीची मीमी, पानी नहीं पिए, ग्रीन टी नहीं पी, सारे काम रह गए मेरे यहाँ, तो फैशन से फुर्सत मिलेगी तभी तो। टाइटनिंग के लिए, टैनिंग के लिए, अच्छा रबड़ पैक के नाम से मिलता है, रबड़ पैक लगता तो नहीं, जैसे हम नॉर्मली घर में भी कैसे यूज करते हैं लेडीज का ही, तो मतलब अलग से सुबह इस टाइम हो रहा है 5 एंड मैं करवा दूँ अपना हेड वॉश ताकि मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर मुझे रात को नहीं आना पड़ेगा। कुछ डिफरेंट ही कलर आया है। सो अब मेरा हो रहा है फाइनल हेड वॉश। वैसे आपका शैम्पू अच्छा भी है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी, कौन सा शैम्पू है दिखाना, अच्छा ओके, अच्छी आ रही थी खुशबू बहुत।
तो फ्रेंड्स ये रबड़ मास्क लगा के देखिए कितने इजीली ये उतर गया, ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं मेरे हैंड। थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छा करा है मेरा मैगी पैडी। तो फ्रेंड लास्टली ये लग रहा है मेरे हाथों में सीरम, पूरा पेडिक्योर मैनिक्योर हो चुका है मेरा और अभी लास्ट सीरम लग रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा मैनी पेडी हो चुका है और भैया ने बहुत अच्छा करा है, थैंक यू सो मच भैया। तो मैं दोबारा भी आऊंगी करवाने लिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ सकते हैं और एड्रेस और फोन नंबर आपको मिल जाएगा हमारी वीडियो में, तो आप भी आइए और इंजॉय कीजिए यहाँ की सर्विसेज जो कि बहुत अच्छी हैं, मुझे स्पेशली मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई है। अब दीक्षा की पसंद दीक्षा बताएगी, मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे बहुत पसंद आई अपनी सर्विसेज, तो थैंक यू सो मच। मेरा हो चुका है सारा काम डन एंड मैंने बहुत ही नेचुरल वाला रेड लिया है, तो चलो अब चलते हैं घर। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू, मिलते हैं दोबारा आपसे। चलो ओके थैंक यू, हाँ अच्छा लग रहा है, थैंक यू। मेरे को तो मतलब ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा लगा एंड मम्मी को भी फेशियल और पेडिक्योर मैनिक्योर बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो बता चुकी हूँ पहले, मतलब ऐसे हुआ नहीं है इतने स्टेप्स और इतना अच्छा। Since you have come to this salon and you have taken our services and you are looking beautiful as well as your mother, so basically we are running an offer like in which if you take a service of 1500 okay. or more than that, we'll be giving you a face sheet mask. This is for you. Thank you. So हम लोगों को guys sheet mask मिला है। तो काम ही यहाँ से गिरा दियो तो नीचे है। ये जो आपको लगानी है घर जाके। चलो ओके आ जाओ, थैंक यू, थैंक यू। प्रिया भाभी जी, मेरी भाभी जी है, मेरी है आपकी, व्लॉग वालों की तो भाभी जी है। निक्कू अभी अभी करके गया काम, निक्कू कह बारी है कह बजाए, निक्कू के खून निकल रहा है, तुमने पूछा उससे? पूछा था। फिर उसको नसीरी छुट्टी होगी? नहीं वो उसकी एंडोस्कोपी है। अरे वो कैमरा डला था नाक के अंदर लोहे की सलाखों से, वो कैमरे किस लिए डलवाए? बैक टू होम। बताओ हमारे ऊपर वालों को भी वीडियो देख के खबरें मिल रही है, ताई कह रही है मैंने वीडियो देख के उससे पूछा था निक्कू का हाल, निक्कू से। वैसे ये सही है, वीडियो में डाल दो। अभी मामा का भी फोन आया कि क्या हो गया निक्कू को, मैंने वीडियो देखी, तो वीडियो का ये भी फायदा है कि किसी को कुछ बताना है कुछ करना है वीडियो डाल दो। गाइस ट्रिप के लिए 5000 मिल गए हिटलर फादर से, कितने सालों बाद ट्रिप के लिए, बहुत सालों बाद, वरना अपनी मेहनत रात रात की मेहनत के एडिटिंग के उससे वो करना पड़ता था, बट आज हिटलर फादर बरसे हैं मेरे ऊपर की दीक्षा, जा 5000 रुपये ले ले ट्रिप के लिए। 5000 में होना कुछ नहीं है बट स्टिल कुछ तो मिला। टाइम हो रहा है 7:15 एंड मैं अभी वेदिका के घर के नीचे वेदिका को पिक कर रही हूँ और फिर थोड़ा सा मार्केट का काम निपटाएंगे। एंड वेदिका को कल मैंने अपनी घड़ी दी थी पिंक वाली सेल डलवाने के लिए, तो उससे वो भी अपनी वॉच वापस करती हूँ। और राधिका दी ने जो हमें ये वेस्ट बैग्स दिए हैं मैं एक बार दिखाती हूँ आप लोगों को। राधिका दी ने स्पेशली मतलब रमनीक भैया ने हमारे लिए स्पेशली खरीदे थे हम सब के लिए, तो ये वाले सबके मैं मेरे पास ही थे, तो अब इन लोगों को अपना ट्रिप का सामान पैकिंग वैकिंग करनी है, तो इन सबको मैं सबके एक एक वापस कर दूँगी। और मैंने अपना भी रख लिया है और साथ में अपना ये येलो वाला भी कैरी करूँगी, तो सारे के सारे सेम स्लिंग्स कैरी करेंगे। और मुझे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने अब, मतलब मेरे को घर तो ऐसा लग रहा था कि बहुत रेड हो गए मेरे को, अब बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल अपने। दीका मैडम जी घुसी हैं गो कलर्स में, पता नहीं क्या लेना है इसको। लड़की ने मेरे बालों को लेके मुझे इतना सेटिस्फाई किया है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं दीक्षा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आपको मोटिवेशन की कमी हो ना तो दीका के पास आ जाओ। सेठी जी से हम लोग ले रहे हैं 5 पैकेट थेपले, वेदिका गई है लेने, होप बस मिल जाए, अच्छा रखे हुए, चलो मिल गए थेपले। सो इधर भाभी और स्वीट मॉम के लिए ले लूँ गोलगप्पे 3 प्लेट, भैया 3 प्लेट गोलगप्पे पैक कर दो फटाफट, सूजी वाले जो अभी उसने बोले हैं ना, सूजी वाले करना 3 प्लेट। और के सारे काम निपटा लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, अब आके बैठी हूँ, नाइट सूट पहन लिया है। अब 4 बजे हम लोग निकलेंगे, तो 3 बजे नहाऊंगी सुबह एंड शार्प 4:30 मतलब निकल लेंगे, 4 बजे हम टेम्पो ट्रेवलर में बैठ जाएंगे, तो
बस अब एडिटिंग करूंगी और थोड़ा पैकिंग वैकिंग का देखूंगी और मुझे लगता है आज मैं सो पाऊंगी, तो लेट्स सी। बहुत भूख लगी और रात के बज रहे हैं 10। एडिटिंग कर रही हूँ, पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, चावल के परांठे खा रही हूँ और साथ में पनीर सैंडविच खाऊंगी। बहुत भूख लग रही है। हाँ वेज सैंडविच है तो परांठे को बनाना है। अब वो खान वन पनीर तो है, बस नमक मिर्च मिलाना है। बना दो फिर, आटा भी है, एक और बना। इसलिए पूछ रही हूँ कि मतलब डेढ़ सैंडविच भी है पहले, फिर रुक जाओ या तो। हाँ मैं रुकी हूँ। टाइम हो रहा है 12:30 एंड इधर राधिका दी के लिए ले ली है इमलीज, जो कि राधिका दी को कुछ कनाडा दे देंगे उनके लिए, कि कनाडा ले जाएंगे वो, क्योंकि उनको बहुत पसंद आई थी, एंड कुछ ट्रिप के लिए लेके चलेंगे। और साथ में ये जो हमने शर्ट ऑर्डर की थी, हमारी शर्ट आ गई है, ऑर्डर आ गया है। और ना एंड मोमेंट पे भी ऐसा लगता रहता है कुछ रहना गया और कुछ रहना गया, और अपना ट्राईपॉड भी अपने साथ रखूँगी, तो फटाफट से सब कुछ पैक कर लेती हूँ। और एडिटिंग काफ़ी हद तक मेरी हो चुकी है, बाकी कुछ लॉन्ग ट्रिप पे ही एडिटिंग करूँगी। एंड बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एट टाइम्स होता है कि कई बार आप एवरी टाइम क्या दिखाओगे, ठीक है, तो कई बार होता है कि व्लॉग्स, एक दो व्लॉग इंटरेस्टिंग नहीं भी हो पाते, तो आई जस्ट वॉन्ट कि व्लॉग्स इंटरेस्टिंग लगे ना लगे। अगर आपको लगता है कि दीक्षा गोयल जी मेहनत पूरी करती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लोगों तक शेयर ज़रूर करना यार। लव यू गाइज, बहुत मेहनत लगती है, सीरियसली बहुत मेहनत लगती है।